अब देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। भारत में लहसुन की सबसे अधिक पैदावार मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन हाल ही में इंडो नेपाल बॉर्डर पर लहसुन की बड़ी तस्करी ने सभी को चौंका दिया है। तस्कर चाइना से जहरीले काले लहसुन को सफेद दिखाकर भारतीय बाजार में लाने का प्रयास कर रहे हैं। 26 सितंबर को छूटी बारी में एक व्यापारी ने 120 क्विंटल लहसुन लदा ट्रक चोरी होने की शिकायत की। व्यापारी चंदन यादव ने बताया कि यह लहसुन गांव से इकट्ठा किया गया था और इसे चेन्नई भेजने के लिए ट्रक बुक किया गया था, लेकिन रास्ते में ट्रक लापता हो गया। इस मामले में धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। नेपाल से अवैध रूप से लाए गए चाइनीज लहसुन की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस सक्रिय है। पिछले 6 महीनों में 13,131 किलो चाइनीज लहसुन बरामद किया जा चुका है। नेपाल के नारायण घाट और चितवन से लहसुन भारत में पहुंचाया जा रहा है, जहां इसकी कीमत 170 से 190 नेपाली मुद्रा प्रति किलो है। पुलिस ने तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है और सीमावर्ती क्षेत्रों में छापे मारे जा रहे हैं। हाल ही में तस्करों द्वारा एसएसबी जवानों पर हमला करने की घटना भी सामने आई है, जिसमें कई तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये स्थिति न केवल स्थानीय बाजार में लहसुन की कीमतों को प्रभावित कर रही है, बल्कि खाद्य सुरक्षा पर भी सवाल उठा रही है। भारत में एंट्री के बाद ये लहसुन के देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। ये लहसुन जो है देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। मालवा के नीमच, मंदसौर, रतलाम सहित अन्य मंडियों में भी चाइनीज लहसुन पहुंच रहा है। इस लहसुन के मंडियों में आने से भारतीय लहसुन के भाव में भी तेजी के साथ गिरावट देखी जा रही है। चाइनीज लहसुन की वजह से प्रदेश का किसान परेशान है। अन्नदाताओं ने सरकार से सख्ती के साथ चाइना के लहसुन पर प्रतिबंध लगाने और इस लहसुन को लाने वाले पर कार्यवाही की मांग भी की। आपने जाना इस वक्त का बड़ा अपडेट लगातार इस जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।